राम राम जी सारे ने, मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको कंधे को ज्वाइंट करने का सही तरीका बताऊंगी। ये मैंने फ्रंट नेक को तैयार कर लिया था। फ्रंट नेक को तैयार करने के बाद अब हम बैक नेक को कटिंग करेंगे। ये मैंने फ्रंट नेक की कंधी रखी और इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब इस निशान को यहाँ से मापेंगे कि ये कितना आया। ये आया 3 इंच का, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। 1/2 इंच हमारा पट्टी लगाएंगे तो बैक में उसमें दबाव में जाएगा। तो यहाँ से इसको माप लेंगे, आया 2.75 इंच। तो नीचे नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे। ये मैंने 6 इंच की लंबाई रखी है और यहाँ से भी 2.75 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों निशान मिला दिए हैं। अब इसमें मैं राउंड नेक बनाऊंगी तो मैं इसमें राउंड शेप दे दूंगी इस तरह से। अब बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। अगर आप भी इस तरह से कंधे को ज्वाइंट करेंगे तो आपकी कंधे कभी भी ब्लाउज की, कुर्ती की छोटी बड़ी नहीं होंगी अगर इस तरीके को फॉलो करेंगे। तो ये मैंने बैक नेक की कटिंग कर ली है। बैक नेक की कटिंग करने के बाद इसमें लगाएंगे हम ओरे पट्टी। तो ओरे पट्टी हम कैसे लगाएंगे ये देखिए। ये ओरे पट्टी मैंने कटिंग कर ली है। ये मैंने 1 इंच चौड़ी ओरे पट्टी ली है और इसको इस तरह से रखेंगे और एक पैर के मार्जिन से इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, एक पैर के मार्जिन से सिलाई को राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने नेक के राउंड में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब जो ये पट्टी लगाई है इसको अंदर की तरफ पलटेंगे इस तरह से। जितनी भी मोटी आपको पाइपिंग चाहिए उतनी रखें और उसके ऊपर से सिलाई लगा दें। पट्टी को इस तरह से अंदर रखेंगे और ऊपर से पूरे राउंड में ही सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद नेक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब फ्रंट नेक को लेंगे और बैक नेक के ऊपर इस तरह से रखेंगे और जो यह पट्टी लगाई है इस पट्टी को हम फ्रंट नेक की कंधी पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से लगाएंगे सिलाई। यहाँ से हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह से और यहाँ से मैं एक सिलाई और लगा लूँगी कंधी को पक्की करने के लिए। तो वैसे ही दूसरी कंधी को भी ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखें कि मैं कैसे कंधे को रखूँ हूँ और कैसे मैंने पट्टी को फोल्ड किया है। ये देखिए, फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे। अगर आप भी इस तरह से ही कंधे को जोड़ते हो तो बहुत ही फिनिशिंग आती है कंधे में और कहीं से छोटी बड़ी भी नहीं होगी। जो एक साइड से फ्रंट में एक्स्ट्रा कपड़ा निकल जाता है वो भी नहीं निकलेगा अगर आप इस तरह से कंधे को ज्वाइंट करेंगे। तो ये मैंने कंधे को ज्वाइंट कर लिया है। ये देखिए, मैं आपको सीधी करके दिखाऊंगी कि कितनी फिनिशिंग के साथ कंधे ज्वाइंट हुई है। ये देखिए, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं है। तो ये देखिए, दोनों कंधे मैंने आपके सामने जोड़ी है और कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं हुई है। और जो बैक में ये मैंने पट्टी को लगाया है, इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर तुरपाई कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।